ओके दोस्तों, तो आज हम आए हैं मनाली के एक मनाली से जब आप नगर की तरफ जाते हैं और यहाँ कुल्लू से आप मनाली की तरफ आते हैं तो रास्ते में एक जगह नगर, वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिज़ॉर्ट है, बारागढ़ रिज़ॉर्ट। उसकी झलकियाँ आपने पहले देख ली होंगी थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी थोड़ी अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि क्या लाजवाब जगह पर ये बना हुआ है। और अभी जहाँ पे वो जो अभी आप देख रहे हो सामने, वो यहाँ के रिज़ॉर्ट्स हैं। और ये जो आप अभी व्यू एंजॉय कर रहे हैं यहाँ की पहाड़ियाँ, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इन्हीं रिज़ॉर्ट्स में इन्हीं कमरे में कहीं ना कहीं सलमान खान रुका होगा, सनी देओल रुका होगा, मतलब अलग अलग जितने भी बॉलीवुड्स के और जितने भी गवर्नमेंट्स के और जितने भी एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ पर आकर रहना पसंद करते हैं। क्या बात है, मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं भी एक सेलिब्रिटी लग रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अगर उसी तरह से चलूँ, अगर ऐसे चुपचाप, फिर व्लॉग कैसे बनेगा। चलो खैर, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। हर एक चीज़ यहाँ पे 5-7 स्टार लेवल की है और बहुत काफ़ी बड़े एरिए में ये फैला हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये जो मैं चल रहा हूँ पूरे होटल्स के अराउंड ये ट्रैक आपको मिलेगा, जहाँ पे आप आएँ सुबह आराम से घूमें, शाम को घूमें और वहाँ की हसीन वादियों में खो जाएं। इतनी गंदी आवाज़ के साथ मुझे लगता है कि आपका व्लॉग देखना बड़ा ही नागुजार लग रहा है। आपको बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है मेरी इतनी बेहुदा आवाज़ से, लेकिन ये आवाज़ सच में बहुत सुंदर है। खैर, मैं इधर उधर की बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मेरी ब्लॉगिंग वाली बातों से बोर ना हो जाओ। तो खैर, आप अगर वहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि धूप वहाँ यहाँ से जा रही है और वो कितना सुंदर पहाड़ इस वक्त लग रहा है। थोड़ा थोड़ा रेडिश है, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज का लुक है उसमें और काफ़ी खूबसूरत है। और अगर आप इस साइड देखेंगे तो वहाँ पर आपको बर्फ़ के पहाड़ देखेंगे। 15 या 20 दिनों में ये सारा यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगा। और हमें तो यहाँ पे भैया बहुत मज़ा आ रहा है। हमने यहाँ पे जस्ट अभी कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ जिया और इन्जॉय किया। और ये पूरा यहाँ से ट्रैक जाता है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन और बहुत ही खूबसूरत, मैं बता रहा हूँ, ये ट्रैक है, होटल है, रिजॉर्ट है, घर है, जो कुछ भी आप कहना चाहें। इसके नीचे की साइड, ये जो सामने है, अगर आप देखें ये जो नीचे की साइड है, इसके नीचे की साइड में यहाँ पे ब्यासा नदी है। और आपको वो जो मोड़ दिख रहा है वहाँ से इस साइड से ये नीचे रास्ता जाता है और वो काफ़ी नीचे तक चला जाता है। और ये वाले जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये सेब के पेड़ हैं, किवीज के पेड़ हैं। और जब यहाँ पे आप सितंबर के करीब आएंगे तो आपको ये पूरा एरिया सेब ही सेब दिखेंगे। यहाँ से सेब तोड़ के खाओ, पैसे बचाओ, होटल में मत खाओ, ताज़ा ताज़ा खाओ। तो गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग लाइक दीज यार, डोंट वरी, पूछ के लिए हूँ, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेस टू बी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत पसंद आया। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग मनोरंजन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। क्या बात है, अपनी फैमिलीज के साथ आएँ, ठीक है, अकेले आएँ, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आना आए। और मैं यहाँ पे उल्टा चल चल के थक गया हूँ। व्लॉगिंग बनाना कोई आसान नहीं है। और काफ़ी अच्छा ये जगह है, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके विज़िट करें और अपने मोमेंट्स बनाएँ, क्योंकि मोमेंट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, अब आप देखें कुछ और झलकियाँ यहाँ की। हम आपसे मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। चलो यार।
ज़्यादा खूबसूरत और मज़ेदार व्यू है। ये देखिए, पहले हम वहाँ थे ऊपर, उसका भी शायद आपने वीडियो देख लिया होगा। तो ये जानदार शानदार ये होटल्स के यहाँ के रूम है, आप देख सकते हैं क्या शानदार बना हुआ और काफ़ी बड़ा है। ये जितने आप पेड़ देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे एप्पल्स के केवीज के हैं। ये यहाँ से नदी बहती है ब्यासा, जो कि बहुत फेमस है। यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं, क्या लाजवाब है। कौन सा स्विट्ज़रलैंड कौन सी दुनिया की और खूबसूरत जगह जिसके आगे कुछ ऐसा माहौल टिक सके। बहुत ही शानदार जानदार, वो हमारी फैमिली वहाँ बैठी हुई है, हमारे फैमिली मेम्बर्स सारे वहाँ बैठे हैं। वो मेरी सिस्टर है, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। सिस्टर जी फ़ोटोज़ ले ली हैं, इन्जॉय हो गया। तो आप ये देख सकते हैं, वो नीचे नदी बह रही है यहाँ से, और यहीं से जॉगिंग वगैरह जो सुबह सुबह गेस्ट वगैरह आए हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बाउंड्रीज हैं। तो एक मज़ेदार ज़बरदस्त ये रिज़ॉर्ट है, आप इसे देखें, बिल्कुल इस महकते हुए फूल की तरह, खिले हुए फूल की तरह, इतना ही खूबसूरत ये रिज़ॉर्ट है। बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव और अमेजिंग, जानदार शानदार मज़ेदार, क्या व्यू है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अनरियल। हो 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 हो, ब्यूटी, क्या ब्यूटी इसे कहते हैं। अगर इसे कहते हैं तो सच बता रहा हूँ, ये जो मोबाइल का कैमरा है ये भी इसको कैप्चर नहीं कर सकता। अमेजिंग।